हुजूराबाद में अवामी जलसे में एक शख्स की बंदूक के साथ शिरकत। सीएम केसीआर पर इटिला राजेंद्र का इल्जाम, पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण की वजाहत। टीपीसीसी के सरबरा रेवंत रेड्डी का बीजेपी कायदीन से बराह रास्त सवाल, जूनागढ़ में आजादी की तकारीफ का एहतमाम क्यों नहीं। भाई शर्मिला का इंकशाफ, जान को खतरा, टीआरएस एमएलए पर इल्जाम। तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल, भैंसा, जगतियाल, एपी के तीन मुकामात पर पीएफ से वाबस्ता अफराद के मकानात पर एनआईए के धावे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मिस्र के दौरे पर रवाना। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में एक प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लीडर के कब्जे से बंदूक बरामद हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर हुजूराबाद बीजेपी एमएलए इटिला राजेंद्र ने रद्द अमल में वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया। हुजूराबाद में बंदूक के लाइसेंस की इजराई में बेकायदगी बरती जा रही है और इसके लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार है। मेरे और मेरे अहल खाना के साथ अगर कुछ होता है या हमारे खून का एक भी ख़तरा गिरा तो इसके मुकम्मल जिम्मेदार वजीर आला होंगे। करीमनगर पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा ने इसके जवाब में वजाहत करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में हुजूराबाद में सिर्फ 2 लोगों को ही बंदूक का लाइसेंस इजरा किया गया था और हालिया दिनों में किसी ने भी बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त नहीं दी। मजीद बताया कि जिस लीडर को बंदूक के साथ देखा गया था उसे भी पुलिस स्टेशन तलब करके खबरदार किया कि अगर दोबारा ऐसा किया तो लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। सरकार की रोड के नीचे हेच्चरिस్తున్నా నీ తాటాకు చెప్పలే భయపడవలం కాదు బిడ్డ గుర్తుపెట్టుకో గానాడ రెక్కి నిర్వహించినాడే సంప్రదాయం బెదిరించినాడే ఆనాడు కిల్లర్ గ్యాంగ్ 9 ముట అంతక ముట బెదిరించినాడే మీ భయపడలే ఇవాళ నువ్వు మళ్ళీ అట్లాంటి నీచమైన కల్చర్ లో వీళ్ళందరికీ లైసెన్సులు ఇచ్చి ఏదో చేస్తాం ధైర్యస్తాం నీ ఒకటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు హెచ్చరిస్తావునా నాకు కానీ నా కుటుంబ సభ్యులకు కానీ ఒక రక్త బొట్టు చిందినా కూడా దానికి బాధ్యత నిర్వహించాలి సత్యపై హెచ్చరిస్తా 4 మండలాల్లో కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంతవరకు అప్లికేషన్ ఎవరు పెట్టుకోలేదు మావోయిస్ట్ సానుభూతి పరులు అయితేనేమండి మావోయిస్ట్ నుంచి సీరియస్ థ్రెట్ ఉంటే మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని విరుద్ధంగా కొంతమంది పుకార్లు పుట్టించి చాలామందికి లైసెన్సులు జారీ చేస్తున్నారు పోలీస్ శాఖ అని చెప్పడం సహేతుకం కాదు। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि गुजरात में हैदराबाद और जूनागढ़ को भी एक ही वक्त में आज़ादी मिली, लेकिन बीजेपी अपने सियासी मफादात के लिए 17 सितंबर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का ड्रामा कर रही है। इन्होंने गांधी भवन में तेलंगाना की आज़ादी की तकारीब के हिस्से के तौर पर परचम लहराया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए इन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि वो गुजरात में जश्न आज़ादी के बाद ही हैदराबाद में जश्न आज़ादी का इनेखाद करें। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि पुरअमन हैदराबाद में फिरकावाराना फसादात कराने और सरमायाकारी को गुजरात मुंतकिल करने की साजिश के साथ यहाँ नए ढोंग रच रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी इश्तियाल अंगेज़ प्रोग्रामों के साथ तेलंगाना की तरक्की के लिए जो मनसूबे तैयार किए हैं इसकी भी वजाहत करे। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त मरकजी वजीर दाखिला थे जब रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में जम किया गया था। वो उनके दोस्त थे, उनका ताल्लुक कांग्रेस खानदान से था और कोई भी पटेल को इनसे अलग नहीं कर सकता था। पटेल ने याद दिलाया कि इनके दौरे हुकूमत में आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इन्होंने शिकायत की है कि कांग्रेस तारीख को भी चुराने की कोशिश कर रही है और इसे अपनी तारीख करार दे रही है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि टीआरएस ने रियासत में ऐसे हालात पैदा किए हैं जिसमें बीजेपी भी तबाह हो चुकी है। इन्होंने तेलंगाना की आवाम पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना मसले किसान जदोजहद जज्बे के तहत बीजेपी और टीआरएस के साजिशों को लट दे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे के नकाब कुशाई की जिसे कांग्रेस ने कबायली बरादरियों के अकासी के लिए डिज़ाइन किया था। इस मुजस्मे को बनाने वाले मुजस्मे साज को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में पुन्नाला लक्ष्मैया, दामोदर राजन्ना, गीता रेड्डी, सूरीधर बाबू, AICC सेक्रेटरी नदीम जावेद, अंजन कुमार यादव, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी, MRG विनोद रेड्डी,
ప్రేమ్ సాగర్ రావు, సిటీ కాంగ్రెస్ ఖాయదీన్ విజయ రెడ్డి. గతంలో సగం రోజు హైదరాబాద్ లో కర్ఫ్యూ ఉంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పాలు గానీ కూరగాయలు గానీ పండ్లు గానీ హైదరాబాద్ కు తీసుకొచ్చి వ్యాపారం చేసే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎట్లుండే, ఏ రకంగా భయం భయంగా బతకాల్సిన పరిస్థితులు ఉండే, అట్లాంటి పరిస్థితుల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవతరికులు వేసి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టి ఐటీ ఫార్మా కంపెనీలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ చదువుకున్న యువకులకు అందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి హైదరాబాద్ అంటే ఎవరైనా వచ్చి బ్రతకొచ్చు, ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా హైదరాబాద్లో ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అనే వాతావరణాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించింది. కానీ ఇప్పుడు కేవలం ఎన్నికల కోసం ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీలు రోజుకు పంచాయతీ ఇంకోడు భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ అంటాడు, ఇంకోడు మక్క మసీద్ అంటాడు, ఇంకోడు గుడిపోతుంది అంటాడు, ఇంకోడు లేకపోతే మసీద్ కాడిపోతుంది అంటాడు. YSRTP सदर YS शर्मिला ने मीडिया नुमाइंदों के सामने सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भेड़ियों से नहीं डरती, मैं शेरनी हूँ, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं जब तक जिंदा रहूँगी लोगों के दरमियान ही रहूँगी. इन्होंने सवाल किया कि TRS कायदीन बदउनवानियों पर बात करते हुए क्यों कांपते हैं. यह भी चैलेंज किया कि क्या इनमें करप्शन पर बात करने की हिम्मत नहीं है. TRS MLA मार्च को रोकने की साजिश कर रहे हैं. तेलंगाना में ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं है. पुलिस TRS के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रही है. तेलंगाना पुलिस को TRS में ज़म किया जाए. इन्होंने सवाल किया कि हमने वज़ीर निरंजन रेड्डी के ख़िलाफ़ जो शिकायत की हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. हुकूमत मुझे गिरफ्तार करके मार्च रोकने की साजिश कर रही है. YSRTP की सदर शर्मिला हफ्ते के दिन महबूबनगर ज़िले जड़चल्ला प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के लिए गई थी. इस मौके पर इन्होंने गंगापुर में लोगों से ख़िताब के दौरान इन बातों का इजहार किया. इन्होंने अपने खिताब में कहा कि YSR के पास कलवा कुर्ती, नेटमपाड़ू, भीमा और कोयल सागर प्रोजेक्टों के साथ मुश्तरिका ज़िले में लाखों एकड़ अराजी को सैराब करने का क्रेडिट है. इन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ये प्रोजेक्ट्स YS के दौर में बनाए गए थे लेकिन CM KCR बाकी कामों को मुकम्मल नहीं कर सके. पुलिस ने पनोला वाड़कुंटुन्नारु कदा, ఇంకెందుకు పోలీసులు స్టేజ్ మీద నిలబడే ఎస్పీ లెవెల్లో వాళ్ళు కూడా ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీని పొగుడుతుంటే ఇక పోలీస్ శాఖ ఎలా అవుతుంది? అది తీసేయండి, మీ టోపీలు తీసేయండి, కండువాలు వేసేసుకోండి. ఎలాగో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లో 860 కోట్ల రూపాయలు ఉందంటున్నారు కదా, మీరే ప్రైవేట్గా ఆర్ఎస్ఎస్ లాగా ప్రైవేట్గా ఒక ఆర్మీని మేము తయారు చేసుకున్నాం, పోలీస్ శాఖ అంతా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వినీలం అయిపోయిందని మీరే జీతాలు ఇచ్చుకోండి, అడిగి సరిపోతుంది కదా. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు, ఇక ఐఏఎస్లు ఎందుకు, వీళ్ళందరూ ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తత్తుల్లాగా పనిచేస్తుంటే ఇంకా ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా ఎందుకు, ఇంకా అంతా విలీనం అయిపోండి. మీరా మాట్లాడేది బీజేపీ గురించి, బీజేపీ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తుంది అని, ఈడీలను పంపిస్తుంది, రైడ్లు చేపిస్తుంది అని మీరా మాట్లాడేది? వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మీ లెవెల్లో మీరు చేయడం లేదా? ఎంత స్థలం ఉంటే అంత కాలు చాపుకుంటారు ఎవరైనా, మీకున్న స్థలంలో మీరు చేయడం లేదా? మీకు ఏ అధికారం ఉంది, మీకు ఏ హక్కు ఉందని మాట్లాడుతున్నారు? మేమేం బీజేపీని వెనకేసుకు రావడం లేదు, మాకు బీజేపీకి ఏమి ఇది లేవు. బీజేపీ కూడా ఒక మత తత్వ పార్టీ, ఒక మత పిచ్చి పార్టీ. మతం పేరు చెప్పాలే, చిచ్చు పెట్టాలే, ఆ మంటలో వీళ్ళు చలిగాచుకోవాలి, అదే బీజేపీకి తెలిసిన రాజకీయం. కానీ బీజేపీ కంటే ఏమి టీఆర్ఎస్ పార్టీ బెటర్ ఏం కాదు. ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళ అధికారాన్ని వీళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. గొంతు లేచిందంటే చాలు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలి, వాళ్ళను జైళ్లలో పెట్టాలి, వాళ్ళను అరెస్టులు చేయాలి. ఇదే కదా చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు. మీకు బీజేపీకి ఏం తేడా, అంతా ఒకే తాను ముక్కలే కదా, అందరూ రాజకీయాలే చేసుకుంటున్నారు కదా. అసలు ప్రజల గురించి ఆలోచన చేద్దామని లేదు, ప్రజలకు ఎవరు ఏమి మాటలు ఇచ్చారు, ఎవరు ఏమి హామీలు ఇచ్చారు అని లేదు. ఒకడేమో 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం సంవత్సరానికని, ఒకడంటే ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని, ఇంకొకడంటే ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడంలో పోటీ పడరీళ్ళు. September 17 ఎవడు గొప్పగా చేస్తాడో పోటీ పడతారంట, 3 కోట్ల ఎవరు గెలుస్తారో పోటీ పడతారంట. ప్రజల కోసమా మీరు ఎన్నికైంది, మీకోసమా సోయుందా? ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ 2000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర పూర్తి చేసుకొని ఎండనక వాననక ఇల్లు వాకిలి కుటుంబము అన్నీ పక్కన పెట్టి రోడ్ల మీదనే బతుకుతున్నాం. ఈరోజు ప్రజల సమస్యలు ఎత్తి చూపడానికి ఈ పాదయాత్ర చేస్తే, ప్రజల పక్షాన నిలబడి వాళ్ళ పక్షాన పోరాటం చేస్తే, ఈ ముఖ్యమంత్రి, ఈ మంత్రులు, ఈ ఎమ్మెల్యేల
అవినీతిని మేము బయట పెడితే మా మీద కేసులు పెడతారా? మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? ఏది చేయండి, మీకు దమ్ముంటే చేయండి. ఈరోజు చెప్తున్నాం, ఈరోజు కేసీఆర్కు చెప్తున్న మాట, నాకు బేడీలంటే భయం లేదు, మీకు దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి, మీకు చేతనైతే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకో కేసీఆర్, నా పేరు వైఎస్ షర్మిల, వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డను, పులి బిడ్డను. నాకా భయం? వైఎస్ఆర్ బిడ్డను, ఈ బేడీలు నన్ను ఆపుతాయా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని కుట్ర చేసి చంపారు, నన్ను కూడా చంపగలరు. కానీ బ్రతికున్నంతకాలం, ఊపిరి ఉన్నంతకాలం ప్రజల నుంచి నన్ను వేరు చేయడం ఎవ్వరి తరమూ కాదు. నీ అవినీతి పాలన గురించి మాట్లాడడం, నా గొంతు నొక్కడం నీ తరం కాదు, ఆపడం నీ తరం కాదు. ఉన్నారు కదా మీ పోలీసులు, మీ పనులలాగా వాడుకుంటున్నారు కదా, పంపండి, మీ పనులను పంపండి. నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా? మీకు దమ్ముందా? చేయండి. నీతో నీ పోలీసులు ఉంటే నాతో ప్రజలు ఉన్నారు. ఇక్కడే ఉన్నా, పాదయాత్రలో ఉన్నా, జనం మధ్య ఉన్నా, జనం కోసం పోరాడుతున్నా. మీకు దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి. ఎవరిని పంపుతారో పంపు, కేసులు పెట్టారు కదా, కంప్లైంట్లు చేశారు కదా, నేను రెడీ. మీ రెడీయా? దమ్ముంటే నన్ను అరెస్ట్ చేయండి. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता अफराद के मकानात में NIA के अहदेदारों ने धावा किए. ज़राए के मुताबिक NIA अहदेदारों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात PFI से वाबस्ता अफराद के मकानात में हफ्ते की आधी रात को धावे करते हुए इनके सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल किए. बताया जाता है कि तेलंगाना के निज़ामबाद शहर में चंद मुकामात और निर्मल, भैंसा, आरमूर, प्रकट और जगतियाल के इस्लामपुरा, रहमतपुरा, टावर सर्कल में एक मेडिकल शॉप और TR नगर, करीमनगर में भी NIA ने बाज अफराद के मखानात पर हफ्ते की अव्वलिन वक्त धावे किए. इसी तरह आंध्र प्रदेश के कड़पा, करनूल और गुंटूर में भी NIA की 25 से ज़्यादा टीमों ने ये धावे किए. PIF की जानिब से नौजवानों को कराटे की तरबियत देने और दीगर गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में कबल अजी NIA के अहदेदारों ने निज़ामबाद से दो अफराद को गिरफ्तार किया था. इनकी इतलात पर ये धावे किए गए. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने मिस्री हम मनसब जनरल मोहम्मद ज़की के साथ दो तरफ़ा बातचीत के लिए इतवार के रोज़ मिस्र के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे. राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा, कल 18 सितंबर को मैं मिस्र के 3 रोज़ा दौरे पर काहिरा में रहूँगा. दोनों मालिक के दरमियान दिफाई तआवुन को मज़ीद मजबूत करने के लिए अपनी मिस्री हम मनसब जनरल मोहम्मद अहमद ज़की के साथ बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ. वज़ारत दिफा ने कहा है कि दोनों वज़रा बाहमी दिफाई ताल्लुक़ का जायज़ा लेंगे, फौजी सतह की सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए नए इक़दाम का जायज़ा लेंगे और दोनों मालिक की दिफाई सनतों के दरमियान तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे. इस दौरान हिंदुस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई उनको मजीद फरोग देने के वास्ते एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए जाएंगे. वजीर दिफा मिस्र के सदर अब्दुल अल फत्ता अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे. तेलंगाना
हरियाणा बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मालून राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने इतवार को रियासती गवर्नर तमिल साई सुंदर राजन से मुलाकात की। इस मौके पर मालून राजा सिंह की बीवी ने गवर्नर तेलंगाना से अपने शौहर के खिलाफ पीडीएफ को मंसूख करने की अपील की। इन्होंने गवर्नर को एक यादाश्त हवाले की जिसमें कहा गया है कि इनके शौहर के खिलाफ गैरकानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उषा बाई ने यादाश्त में कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक ग्रुप मुतमाइन करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के गोशा महल असम्बली हलके का एमएलए राजा सिंह इस वक्त पीडीएफ के तहत चरलापल्ली जेल में हैं। ताहम उषा बाई ने गवर्नर से अपील की है कि वो तेलंगाना हुकूमत के अपने शौहर के खिलाफ गैरकानूनी मुकदमा पर मुदाखलत करे। इसने शिकायत की कि इसके शौहर के खिलाफ जानबूझकर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से राजा सिंह की बीवी मरकजी हुकूमत से भी इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका के 10 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 18 से 24 सितंबर तक न्यूयॉर्क के अपने दौरे के दौरान मिस्टर जयशंकर अक़्वामे मुत्तहिदा के जनरल असम्बली UNJA के 77वें इजलास में हिंदुस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। 77वें UNJA के मौजू लम्हे फ़िक्र बाहम मरबूत मसाइल का इनकलाबी हल है। वज़ीर ख़ारजा शंकर कसीर जहती के तईन हिंदुस्तान की अहदबंदी को मद्देनज़र रखते हुए G4 हिंदुस्तान ब्राज़ील जापान जर्मनी की वजारती मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। साथ ही वो अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में जामे असलाहत और कसीर जहती के मौजू पर 69 ग्रुप की आला सतही मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। वो G20 और UNSC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा समेत दीगर मदुबैन के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से जयशंकर का खिताब 24 सितंबर की दोपहर को होने की तवक्को है। आज कस्टम डिपार्टमेंट ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले खातून के पास से 13 लाख का सोना जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सोना पेस्ट की शक्ल में पेट में टेप के ज़रिए चिपका कर लाए गए सोने को एक मुसाफिरा खातून के पास से शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम मुकाम ने जब्त कर लिया। ये खातून मुसाफिरा दुबई से फ्लाइट नंबर E0256 के ज़रिए हैदराबाद पहुंची थी। इसे जब्त शुदा 268.400 ग्राम सोने की मालियत 13,73,403 रुपये है। इस खातून मुसाफिरा को हिरासत में लेते हुए इससे पूछताछ की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 10 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई।
मध्य प्रदेश के शिवपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नमीबिया से चीतों को हिंदुस्तान लाने के मौके पर एक जलसे से खताब किया। जलसे में शिरकत के लिए ख़वातीन की कसीर तादाद वहां पहुंची थी। जलसा ख़त्म होने के बाद से सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान ख़वातीन से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस उलटने के नतीजे में बस में सवार 10 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकल किया गया है। बताया जाता है कि बस में 30 ख़वातीन सवार थीं। हैरत है कि पीएम मोदी ने चीतों को लाकर कौन सा तीर मारा है जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश के बस्तर इलाके में खुद चीते पाए जाते हैं। बंजारा हिल्स में एक नौजवान तेज़ रफ्तार से कार चला रहा था कि तवाज़ुन बरकरार ना होने पर कार मंदिर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे अपोलो अस्पताल ले जाया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर के इलाके सैदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में सेल फोन के लिए हुए झगड़े में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए 6 नौजवानों के दरमियान शराब की दुकान के पास सेल फोन के मसले पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 5 नौजवान ने मिलकर आकोपति नामी नौजवान पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसके सर पर गहरी चोट आई थी। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसकी मौत हो गई है। जंगे आज़ादी के दौरान जिन शख्सियतों ने कुर्बानियाँ दी और मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की, इन्हें बेहतरीन खराज अकीदत यह है कि इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए और मुल्क व मिल्लत के लिए अपने अंदर भी कुछ कर गुजर करने का जज्बा पैदा किया जाए। मौलाना मोहम्मद बाखर के योम शहादत पर जलसे खराज अकीदत से खिताब करते हुए वज़ीर आफत इंतज़ामिया शाहनवाज आलम ने कहा कि मैं उर्दू कम जानता हूं, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को उर्दू सीखने की तरगीब देता रहता हूं, क्योंकि नई नस्ल की उर्दू कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि उर्दू की शनाख्त अब सिर्फ मुशायरे तक महदूद होकर रह गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 17 साल बाद बिहार में एक नई उम्मीद पैदा हुई है, हम चीज़ों को करीब से देख रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अपनी तकरीर में यकीन दिलाया कि वो उर्दू अखबारात और मदारिस के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपनी सदारती तकरीर में उर्दू मीडिया फोरम बिहार के सरपरस्ते आला डॉक्टर सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद ने मौलवी मोहम्मद बाखर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन्होंने जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था, हिंदुस्तान आज भी वहीं खड़ा है। इन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद बाखर को इसलिए शहीद किया गया कि वो मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के दरमियान इतिहाद की बातें कर रहे थे। हालांकि वो अंग्रेज़ों के नज़दीक बहुत मोतबर आदमी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के इनकी ये अदा पसंद नहीं आई और इन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। इन्होंने कहा कि आज मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है। उर्दू मीडिया फोरम बिहार के सरपरस्त और कौमी तंजीम के मुदीर आला जनाब SM अशरफ फरीद ने कहा कि जंगी आज़ादी में उर्दू सहाफ़त और उलमाए सादकपुर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इनका जिक्र किया जाए तो कई किताबें नाकाफ़ी होंगी। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में उलमाए सादकपुर और उर्दू सहाफ़ियों की कुर्बानियों को भी जगह दे। इन्होंने इस मौके पर उर्दू अखबारात के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र किया और कहा कि दूसरी ज़बानों के अखबारात और कॉरपोरेट मीडिया इसको तो झोली भर कर इश्तहारात दिए जाते हैं, लेकिन उर्दू अखबारात को चंद खतरे डाल दिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, हालांकि इस ज़बान ने मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम और फ़िरका वाराना खैर सगाली के लिए क्या नहीं किया। इससे कबल मौलवी मोहम्मद बाखर की हयात खिदमात पर तहकीकी किताब लिखने वाले जनाब आदिल फराज लखनवी ने कुलैदी खुतबा दिया। इन्होंने कहा कि आजकल इस तरह की सहाफत नहीं हो रही है जैसा कि माजी में होती थी। सहाफत का मतलब किसी की हिमायत या मुखालिफत नहीं, बल्कि हकीकी सहाफत किसी भी चीज़ की तह तक जाकर इसकी सच्चाई को खारी तक पहुंचाना है। उर्दू मीडिया फोरम के सदर मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्ला ने कहा कि मौलाना बाखर से अब तक सहाफत 3 दौर से गुजर चुकी है। पहला दौर हक़ बात कहने का था, जिसके नुमाइंदे
मौलाना बाखर थे। दूसरी दौर में गैर जानिबदारी की बातें कही गईं, जबकि आज की सहाफत खालिस जानिबदार हो गई है। इन्होंने कहा कि सहाफियों को तरबियत देने के ताल्लुक से जो तजवीज़ सफदर इमाम खादरी ने पेश की है, इस पर गौर करना चाहिए। इस सिलसिले में वो इसके खदोखाल तय करें। इससे कबल फोम के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सफदर इमाम खादरी ने लखनऊ से आए आदिल फराज के कुलेदी खुतबे के हवाले से मौलाना मोहम्मद बाखर को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि आदिल फराज ने मौलाना बाखर के ताल्लुक से जो बातें कहीं वो काबिल गौर हैं। इन्होंने इस मौके पर कारकुन सहाफ़ियों ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप मुनक़द करने की तजवीज़ पेश की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बिहार उर्दू अकेडमी के साबिक़ नायब सदर डॉक्टर अब्दुल वाहिद अंसारी ने उर्दू सहाफत को मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मौलाना मोहम्मद बाखर ने जो राह दिखाई है, इस पर चलने की ज़रूरत है। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शहबाज आलम ने मौलाना मोहम्मद बाखर की कुर्बानियों को याद करने की गर्ज़ से प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए उर्दू मीडिया फोरम बिहार का शुक्रिया अदा किया है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रेहान गनी ने अपने इब्तदाई कलमात में फोरम के क़याम के मकसद पर रोशनी डाली और कहा कि मौलाना मोहम्मद बाखर जैसी अजीम शख्सियतों की कुर्बानियों को याद करते वक्त हमें इनके नक्श कदम पर चलने का अहद करना चाहिए। जलसे का अहतमाम उर्दू मीडिया फोरम बिहार पटना ने पहले शहीद उर्दू सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बाखर के योम शहादत के मौके पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए किया था। तकरीब की निज़ामत भाषा संगम की नायब मुदीरा डॉक्टर अफशा बानू ने की।